वो यहाँ से रोती हुई गई है छोटे सुबेदार जी। अच्छा ठीक है, हम देख लेंगे। अभी तुम आराम करो। बाबा साहेब कल 2 दिन के लिए पूना जा रहे हैं। कल दरबार में इस मुद्दे पर हम निर्णय लेंगे। ये नियति का खेल भी कितना विचित्र है ना अहिल्या। हर बार हम दोनों को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर देता है। लेकिन इस बार तो हम एक ही तरफ है ना। दरबार की कार्यवाही शुरू की जाए। पिछली बार मैंने दत्तक ग्रहण का मुद्दा उठाया था छोटे सूबेदार जी, लेकिन वो नकली काका काकी के आने के वजह से वो बात वही रह गई। अब वो षड्यंत्र तो समाप्त हो गया है, लेकिन आज मैं फिर से वही से शुरू करना चाहती हूं। पिछली बार ये तय हुआ था कि एक विधवा को दत्तक लेने का अधिकार मिलना चाहिए, और हमने कानून बदलने की भी चर्चा की थी। ऐसा करके रेनू का भोला को कानूनन दत्तक तो ले ही सकती है, लेकिन उसके साथ साथ उसे अपने अधिकार भी प्राप्त हो सकते हैं। छोटे सूबेदार जी, गोद लेने के अधिकार की बात जहां तक है वो सही है, लेकिन फिर भी रेणुका भोला को कानूनन गोद नहीं ले सकती। क्योंकि इसमें ना तो धर्म की सम्मति है और ना ही न्याय की। और ये समाज की रीत से विपरीत है छोटे सूबेदार जी। रेणुका भोला को गोद क्यों नहीं ले सकती? छोटे सूबेदार जी, छोटी रानी के इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम राज्य के सबसे नामांकित न्यायशास्त्री श्री राम शास्त्री उपाध्याय जी को यहां आमंत्रित करना चाहेंगे। आज्ञा है, आइए। हम यहां अपनी राय देने सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि हमें गुणों जी सरदार ने आमंत्रित किया है। इसके पहले भी इस दरबार के आमंत्रण पर समग्र धर्मपीठ के समय पढ़े लिखे गुरुजन, आचार्य जन, महंत गण उपस्थित थे। तब छोटी रानी ने उन सबके विरुद्ध जाकर अपना निर्णय सुनाया था। छोटे सूबेदार जी, हमारा वैसा ही अपमान दोहराया जाए ये हम नहीं चाहते। यदि हमारे ज्ञान और अनुभव को महत्व दिए बिना ही छोटे सरकार और छोटी रानी इस मुद्दे पर अपनी ही मनमानी करना चाहें तो फिर हमारे कुछ भी कहने का कोई अर्थ नहीं बनता। नहीं साहब, आपसे सिर्फ एक विनती है,
घर का महान सम्मान ऐसे दरबार में मत उछालिए। हमारा छोटा बेटा, उसका जन्म ही आपके सामने हुआ है। हम तैयार हैं, हम उसे आपको सौंपने के लिए तैयार हैं। वहीनी साहब, एक पिता के बलिदान को आप ऐसे मत दुत्कारिए। अगर आपको लगता है कि हम गलत हैं, तो ठीक है, हम बहस नहीं करेंगे। आपके दूसरे देवर गणेश, उनका बेटा गोद ले लीजिए। हमारी बहन का बेटा, वो भी खुशी खुशी आपको दे देंगे, ताकि आपका जीवन सुखमय रहे। वहीनी साहब, ये सब मामला खत्म कीजिए और घर चलिए। घर पर पूरा परिवार आपके स्वागत के लिए आतुर है। क्या इस परिवार में ऐसा कोई नहीं है जिस पर आप विश्वास कर सके? रेणुका भाई, सब पर शंका है आपको? ये औरत अपने घर के सभी लोगों को बुरा समझती है, क्योंकि इसने किसी के साथ अच्छे संबंध बनाए ही नहीं। तो हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि शायद इसी औरत के स्वभाव में कोई दोष तो नहीं। ये तर्क इसलिए है छोटे सूबेदार जी, क्योंकि अभी तक कैलाश पाटिल के खिलाफ मेरे पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन मैं साबित कर दूंगी कि कैलाश पाटिल एक गलत इंसान है और रेणुका का भविष्य इनके हाथों सौंपना सबसे बड़ी गलती होगी। मुझे एक पहर की मोहलत दे दीजिए छोटे सूबेदार जी। फिर से मोहलत? आज तक इस दरबार में मेरे खिलाफ कुछ साबित नहीं हुआ है, फिर समय की बर्बादी क्यों छोटे सूबेदार जी? इस मामले को यही खत्म कीजिए। कैलाश जी, एक बात आपको भी समझनी होगी कि ये मामला बहुत ही भावुक है और अहिल्या ने एक पहर का समय ही तो मांगा है। मोहलत खत्म हो जाने के बाद ये दरबार फिर से हाजिर होगा और इस मुद्दे पर निर्णय आज ही लिया जाएगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.